अब हम सीखेंगे कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन या प्रॉपर्टी, ऑपरेशन में इसे लिखूंगा, प्रॉपर्टी आप दोनों लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव ऑपरेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्ज करें आपके पास दो नंबर है, एक है 3 और इसको आपने ऐड करना है और दूसरा है 5। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास बनते हैं 8। लेकिन आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 जमा 3, इससे इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमेशा 8 ही आएगा इसका आंसर। आप भले आप 3 को पहले लेके या 5 को पहले लेके। एक और एग्जांपल अब चेक करते हैं, हम चेक करते हैं 4 को ऐड करते हैं 2 के साथ और 2 को ऐड करते हैं 4 के साथ, देखते हैं कि इनका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास है 1 2 3 4 और ये 1 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इसका भी आंसर सेम ही आया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, फर्क नहीं है। तो ये तो था एडिशन के लिए। हम इसी काम को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू। अब अगर हमें टेबल याद है तो हम कह सकते हैं 3 4 12 और 4 3 भी 12 ही हमारे पास आता है। और इसी तरह हमारे पास एक और हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें हम चेक करते हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करके क्या आता है, तो 5 2 10 और 2 5 10। तो ये कम्यूटेटिव जो ऑपरेशन है ये हमें ये बताता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दो, जब आप डिजिट्स को या ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या उनको ज़रब दे रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 का पहले लिखना या नंबर 2 का पहले लिखना, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इनमें दोनों की आंसर जो है वो सेम ही है, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, इसी तरह यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, ये दोनों 10। तो इस तरह हम इस प्रॉपर्टी को, ये बाज़ औक़ात हमें जब हम आगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमें इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।